मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मरुधरा पधारे हैं और राजस्थान में आज इनकी 3 जनसभाएं होंगी। भरतपुर के अलारा में सभा, लोकसभा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली के समर्थन में सभा आयोजित की जा रही है और पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, खास जानकारी भी आपसे साझा करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, सुनिए। चौधरी साहब के द्वारा किसानों के लिए, गरीबों के लिए अपने कार्यकाल के दौरान जो कार्य किया गया उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम सब आज नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आज किस कदर दुनिया की ताकत बन रहा है, ग्लोबल पावर के रूप में भारत की अपनी पहचान बन रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने 2-3 दिन पहले इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र की अगर उस रिपोर्ट को पढ़े होते, द गार्डियन एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है ब्रिटेन का, और उसमें उसने एक बात कही, उसने कहा पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी मारे गए हैं और उनका यह था कि हो सकता है भारत ने मारे हो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं। जो कल तक उन आतंकवादियों को प्रश्रय देते थे एयर स्ट्राइक के भय से, अब वह कुछ भी भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये नया भारत है। द गार्डियन की रिपोर्ट का और स्रोत का आधार क्या है हम नहीं जानते, लेकिन बहनों और भाइयों ये नया भारत है। अपने नागरिकों को मंदिर का निर्माण भी करता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करता है, आपको सुरक्षा भी प्रदान करता है, देश की सीमाओं को सुरक्षा भी प्रदान करता है। आपने मोदी जी के पहले किसी प्रधानमंत्री को बॉर्डर क्षेत्र में सैनिकों के साथ दीपावली मनाते हुए देखा है क्या, होली मनाते हुए देखा है क्या? कोरोना में जब हर व्यक्ति अपने आप को बचाने का प्रयास करवाता है, कांग्रेस के लोग, अन्य दलों के लोग गायब थे, तब मोदी जी एक एक राज्य में जाकर के लोगों के हित के लिए काम कर रहे थे। अपनी परवाह के बगैर दुनिया के अंदर 2 वैक्सीन देने वाला भारत है और दुनिया के सबसे बेहतरीन वैक्सीन भारत ने दिए हैं मोदी जी के नेतृत्व में। अगर मोदी जी के द्वारा वैक्सीन उस समय नहीं दी गई होती तो बहनों और भाइयों क्या 140 करोड़ के भारत को हम बचा पाते, कोरोना जैसी महामारी से बचा पाता भारत को कोई? तो यह चुनाव हमारे
हमारे लिए मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है और इसीलिए हम लोग आए हैं आज भरतपुर में। मुगल सेनाओं को महाराजा सूरजमल ने भूसा भरने का काम किया था उनके किले में, कहा था तुम यही खाओ। भारत को रौंदने का सपना देख रहे थे वे लोग, उनकी औकात महाराजा सूरजमल ने घर की थी। और ये चुनाव है देश के साथ गद्दारी करने वाले, देश की सुरक्षा के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले, गरीबों के हितों में डकैती डालने वाले, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले, इन कांग्रेसियों को भी अब उनका सही जगह दिखाने की आवश्यकता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आई है आपके पास फिर से लोकसभा चुनाव के लिए। मोदी जी ने कह दिया है एक संकल्पना दे दी है विकसित भारत की, विकसित भारत की।